भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार दोपहर में रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने रेपो रेट 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले ने स्टॉक मार्केट सहित फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े लोगों को चौंकाया। पिछले महीने आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था। उसने ये भी कहा था कि वे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अकोमोडेटिव बनाए रखेगा। फिर सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ये रेपो रेट क्यों बढ़ा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी की अगली बैठक का नहीं किया इंतजार। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी बैठक में लिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी सदस्यों ने एक राय से रेपो रेट में 0.4% बढ़ोतरी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। आप इससे महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की चिंता समझ सकते हैं। दरअसल अगले महीने 6 से 8 जून तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है, लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जून तक का इंतजार नहीं किया। कैश रिजर्व रेशियो में भी 0.5% बढ़ोतरी की। केंद्रीय बैंक ने न सिर्फ रेपो रेट बढ़ाया बल्कि उसने कैश रिजर्व रेशियो में भी 0.50% वृद्धि की है। इससे CRR बढ़कर 4.5% हो गया। आपको बता दें कि बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। CRR में 0.5% बढ़ोतरी का मतलब है कि अब बैंकों को ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा। इससे लोन देने के लिए उनके पास कम फंड उपलब्ध होगा। RBI ने महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट और CRR बढ़ाया है। बताया जाता है कि इससे लिक्विडिटी में कमी आएगी। बैंकिंग सिस्टम से करीब 86,000 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। उधर रेपो रेट में वृद्धि से लोन पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सहित सभी तरह का लोन महंगा हो जाएगा। क्यों लोन महंगा करना चाहता है RBI? कुछ एक्सपर्ट्स ने पिछले महीने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इंटरेस्ट बढ़ने की उम्मीद जताई थी। उनका मानना था कि बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्र बैंक ये फैसला ले सकता है, लेकिन तब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। दरअसल दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। यूक्रेन क्राइसिस ने महंगाई की आग को और बढ़ा दिया है। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन 6.95% पर पहुंच गया, जो RBI के टारगेट से बहुत ज्यादा है। लोन महंगा होने से घर, कार, कंज्यूमर अप्लायंसेस सहित चीजों की मांग में कमी आएगी। RBI यही चाहता है। मांग में कमी आने से महंगाई को काबू में करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद महंगाई को काबू में करना है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के हाई पर पहुंच गई है। इसी वजह से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कई बार बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बुधवार यानी आज फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करने का ऐलान करने वाला है। इसकी जानकारी इंडिया में गुरुवार को सुबह मिल पाएगी।